साउथ एशिया और अमेरिका का फल मैंगोस्टीन को लोगों ने खूब खाया। इसे दुनिया का सबसे टेस्टी फ्रूट माना जाता है। The fruit open, inside appears the white flesh, ये बड़ा मीठा होता है। इसका टेस्ट कुछ हटकर है। It has been known as the best tasting fruit in all the world. दुनिया की जानी मानी ब्रांड्स की शराब भी यहाँ परोसी गई। और लोगों ने मनाया ये दिन बार बार आए। समय के लिए अलीम अतहर। जिंदगी की कड़वाहट के बीच चॉकलेट्स का टेस्ट किसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब आप हमारे साथ चलिए और इन चॉकलेट्स का स्वाद लीजिए। लीची बॉम, स्पेनिश ऑलिव ऑयल, फिर ट्री ऑयल, ये सभी चॉकलेट हैं। चॉकलेट का नया रूप, ऑर्गेनिक चॉकलेट। इन सब की मिठास में एक नया फ्लेवर है और इन्हें सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। चॉकलेट खाने से हार्ट अटैक का खतरा 50% कम हो जाता है। तो आइए आप भी शामिल होइए इस चटपटे सफर में, क्योंकि यहाँ मीठी ही नहीं बल्कि स्पाइसी चॉकलेट्स भी मौजूद हैं। तो अब आप हमारे साथ चलिए जापान के एक ज़ू में। इस ज़ू की खासियत ये है कि इसमें जानवरों के पास ऐसा बहुत कुछ है जो दुनिया के करोड़ों लोगों को आज भी नसीब नहीं। ये चिड़िया घर कुछ खास है, खास इसलिए कि यहाँ सबको अपने लिए एक अलग घर नसीब है, साथ ही नसीब है भरपूर देखरेख। हर जानवर का यहाँ पूरा ख्याल रखा जाता है। मौसम के मुताबिक जानवरों की देखभाल की जाती है। बिना दौड़ धूप के घर मिल गया है, इसलिए जानवर यहाँ खूब इटलाते हैं और इनकी इस इटलाहट को देखने वाले भी खूब जुटते हैं। इस जू की ये खासियत है कि जानवरों को यहाँ बिल्कुल जंगल जैसा ही माहौल मिलता है। जू का ये प्रयोग लोकप्रिय भी हो रहा है और फायदेमंद भी। जापान के दूसरे चिड़ियाघर जल्द ही फॉर्मूले को अपनाने वाले हैं। रूस का इंपीरियल पैलेस लाखों लोगों की आंखों का तारा है। इन दिनों इस पैलेस का मेकओवर हो रहा है और मेकओवर के बाद ये एक नए अंदाज में लोगों के सामने होगा। ये तरह तरह के फवारे और इनके बीच बनाइए महल, जन्नत के किसी नजारे से कम नहीं। हम दुनिया में हर जगह गए लेकिन इससे खूबसूरत जगह नहीं देखी है। पीटर द ग्रेट ने इस महल को बनवाया था। ये दूसरे विश्व युद्ध में बर्बाद हो गया था, फिर इसकी मरम्मत की गई। ये म्यूजियम इस महल के इतिहास को बयान करता है। सैलानी यहाँ से जुड़े लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। रूस में इन दिनों इस महल का मेकओवर एक बड़ी खबर है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हंसना जरूरी है लेकिन कई बार लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि थोड़ा तो मुस्कुराइए। शायद यही वजह है कि थाईलैंड में हंसने पर ही एक कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज किया गया। ये अनोखा पहनावा, जोर जोर से हंसते लोग, नजारा है थाईलैंड में आयोजित इंटरनेशनल लाफिंग कंटेस्ट 2008 का। 16 देशों से आए 23 लोगों ने हंसी के इस कंटेस्ट में हिस्सा लिया। बड़ा मजा आया, एक साथ इतने लोगों को हंसते देखकर बहुत ही अच्छा लगा। आयल और जोर से हंसने वालों को $3,000 का इनाम भी मिला और बाकियों को मिली प्रेरणा। हंसी की ये महफिल अनोखी है, इससे हमेशा हंसते रहने की प्रेरणा मिलती है।
हंसी के इस कंटेस्ट का आयोजन हर साल किया जाता है ताकि लोग हंसना न भूलें। समय के लिए अलीम अतहर। उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा की पायल ने 24 घंटे तक लगातार कथक डांस कर अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करा लिया है। 9वीं क्लास की स्टूडेंट पायल बचपन से ही डांस सीख रही है। ये रेस कुछ खास है। ये कारें पेट्रोल, सीएनजी या बिजली से नहीं चलती, ये पैडल कार है जिसे आप साइकिल की तरह पैडल लगाकर चला सकते हैं। स्पीड का मामला कुछ ऐसा कि जितना दम उतनी स्पीड। अमेरिका में वेटरों की ये रेस हर साल होती है। एक थाली में पानी से भरी बोतल और ग्लास रखकर भागना, और वो भी बिना गिराए, दर्शकों को काफी रोमांचित करता है। फॉर्मूला कारों को रफ्तार का बादशाह कहा जाता है। अमेरिका और सभी यूरोपीय देशों में ये रेस काफी पॉपुलर है। रफ्तार का ये रोमांच लोगों को खूब भाता है। हॉलैंड में हर साल यह अनोखी मड रेस होती है। इस बार 3.5 किलोमीटर लंबी इस रेस को जीतने के लिए लोगों को कीचड़ से भरी 21 नहरें पार करनी थी। ब्रिटेन के वेल्स में कीचड़ में साइकिल चलाने की प्रतियोगिता आयोजित हुई। साइकिल को 6 फीट गहरे कीचड़ भरे पानी में चलाना था। इसमें शामिल होने के लिए कई प्रतियोगी जुटे और उन्हें खूब मजा आया। जाने माने उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी को अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स ने अरबपति पत्नियों की लिस्ट में शुमार किया है। फोर्ब्स ने टीना को 6ठे स्थान पर रखा है। 53 वर्षीय टीना 80 के दशक में बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा रह चुकी हैं। तो ये था अपराध और राजनीति से परे आज का मीठा न्यूज बुलेटिन। इस बुलेटिन पर आप अपनी राय हमें 59090 पर SMS कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं kmhj@saharasamay.com पर। अब आप हमें इजाज़त दीजिए क्योंकि हमें अगले हफ्ते के लिए आपके लिए कुछ और मिठास खोज कर लानी है। सहारा अपनाएं।